कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आलू चिकन करी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बन जाता है। और मैं कढ़ाई में नहीं, कुकर में बनाना बताऊंगी, जिससे टाइम भी बचत होगी और अच्छे से गल भी जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा। तो आइए चलिए बनाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें 2 कलछुल तेल डालेंगे। चिकन या मटन में तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। तेल गरम होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ खड़े मसाले हैं। 3 तेज़पत्ता है, 1 टुकड़ी दालचीनी है, 2-3 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल है और थोड़ा सा जावित्री है। इन सबको पहले डालकर हम फ्राई करेंगे। और इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 3 बड़े साइज़ और ये देखिए प्याज है। हमने 3 बड़े साइज़ प्याज की हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर ही ग्रेवी बनाया करें, बहुत अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनती है। और वैसे कटी हुई प्याज की उतनी अच्छी ग्रेवी नहीं आती है। प्याज हम फ्राई कर लें, अच्छे से भून लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा फ्राई हमारा प्याज हो गया है, तो इसी के साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में भून लेंगे, ताकि प्याज के साथ साथ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून जाए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर के 3 टमाटर है छोटा छोटा, उसका पेस्ट हमने बना लिया। अब इसको भी इसी में डालकर फ्राई करेंगे। इसको भी तब तक फ्राई करना है जब तक तेल हमारा अलग ना हो जाए, फिर आपको दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है और ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है किनारे किनारे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसको हम और डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो और डाल लीजिए, अगर कम खाते हैं तो 1/2 टीस्पून डालिए। यह है चिकन मसाला, 1, 2 and 1/2 ढाई चम्मच हमने डाला है। यह 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इनको भी हम इसी में डालकर भूंज लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि भूनते हुए मसाला हमारा जले नहीं।
मसाला भून लें थोड़ा सा 2 मिनट, फिर आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं मसाले को, 2 मिनट हो गया भूनते हुए। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने एक आलू लिया है, उसको बीच से कट किया है, ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करिएगा, चिकन ज़्यादातर पकेगा तो गल जाएगा आलू। आलू बड़े साइज का काटना है। और ये 1/2 किलो चिकन लिया है हमने, इसको भी इसी के साथ डाल कर 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसी मसाले में दोनों को डाल के 5 मिनट तक भूनेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितना आप अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा सालन आपका बनकर तैयार होगा। अब इसको हम 5 मिनट भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया हमें भूनते हुए। बीच बीच में मैं ढक देती थी ताकि कुछ उसका पानी छोड़ दे चिकन का। और ये देखिए अब अच्छे से हमारा चिकन भुन गया है। अब इसमें ज़रा भी पानी नहीं है और अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम पकने के लिए थोड़ा सा 1/2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। और इसको मीडियम आंच में पकाइएगा, हाई फ्लेम में नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से। धीमी आंच में पकाइएगा तो अच्छा पकेगा। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 4-5 सीटी आ चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, लेकिन अभी तुरंत खोलेंगे नहीं, अभी जब इसका प्रेशर लूज़ हो जाएगा उसके बाद खोलेंगे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर हमारा चिकन आलू करी तैयार हुआ है। इसी तरह जैसे हम बताए हैं वैसी तरह आप अगर बनाएंगे तो आपका भी बहुत बढ़िया इसी तरह बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। हमने 1 छोटा गिलास सालन डाला है, आप चाहें तो और पतला बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि ग्रेवी कैसी रखनी है, पतला रखना है कि गाढ़ा रखना है, ये आपके ऊपर है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक्कन से बंद करके इसको 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, 1 मिनट हो गया है 2 मिनट। वाह कितना बढ़िया सालन बन के हमारा तैयार हुआ है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सालन तैयार है। इसी तरह आप भी बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा और सबको बहुत पसंद आएगा। एक बार आप मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी डिश आउट कर लूँ तब। ये देखिए दोस्तों, हमने डिश आउट कर लिया है। ये हमारा आलू चिकन करी बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। और देखिए देखने में कितना टेस्टी और कितना लाजवाब लग रहा है, इसकी सौंधी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो जिस तरह से मैं बनाई हूँ उसी तरह आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।